अगली खबरें बात करते हैं गया की, जहां भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं स्वास्थ्य महकमा चिंतित है। अब तक लगभग 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। ज्ञात हो कि 22 दिसंबर से बौद्ध धर्म गुरु महापावन दलाई लामा आगमन के साथ ही लगभग 50 देशों से 1,00,000 बौद्ध धर्म के अनुयायियों की भीड़ जुटी हुई है। श्रद्धालुओं से 20 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें से जो बैंकॉक और म्यांमार से हैं। इन सभी को आइसोलेशन में रखा गया है। एक ओर जहां देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है, तो दूसरी ओर मास्क का उपयोग नहीं करने से गया स्टेशन पर कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका जताई जा रही है। महापावन दलाई लामा मिलने से पहले कोरोना जांच अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं सिविल सर्जन ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, जिला के सभी अस्पताल में जांच से लेकर इलाज तक की समुचित व्यवस्था की गई है। अभी तो कहीं निकले नहीं सर, निकले नहीं कहीं अभी। चाहते हैं कि एयरपोर्ट पे और स्टेशन पे हो रहा है, लेकिन बोधगया में चूंकि बहुत भीड़ है, तो क्या और भी कहीं भी मतलब उसका जांच का कोई सा प्रबंध, जो बस उससे जो यात्री आ रहे हैं उनके देख रहे हैं वहाँ भी क्या जाएगा, बस स्टैंड पर उसकी व्यवस्था। धन्यवाद।